Nice shot! उल्लून कैसे हो, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम भूरा भाई। सो गाइस, पिछली क्लिप देख ही ली होगी स्विंग इफेक्ट। आज की इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे स्विंग इफेक्ट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एडिट कर सकते हैं, मतलब अपनी मोन्टाज वीडियो में लगा सकते हैं स्विंग इफेक्ट। उसके लिए क्या करना होगा, अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस बता दूं यार, सब मैसेज कर देते हैं यार कैसे डाउनलोड करूँ। गाइस मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुकी है कि कैसे आपने मेरी फाइल्स को डाउनलोड करना है, ठीक है गाइस, वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। एंड बता दूं मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 या फिर 2 अलाइट मोशन की लिंक डाली है, तो डाउनलोड कर लेना अपने वर्जन के हिसाब से। एंड गाइस बता दूं एक ब्लैक बार्स की इमेज होगी, वो भी डाउनलोड कर लेना। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस करना क्या है, सिंपली अपना जो अलाइट मोशन है आपका वो आपने ओपन कर लेना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में 2 या 3 अलाइट मोशन की लिंक होंगी, उन तीनों में से आपने डाउनलोड कर लेना है और देख लेना कौन सा आपके डिवाइस में रन कर रहा है। नाउ क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, रिजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ फुल HD रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ 1080 रख रहा हूँ, एंड सेम सेटिंग्स ये रखनी है आपने। क्रिएट प्रोजेक्ट करना है आपने। नाउ क्या करना है, जो आपकी वीडियो है जो आपने काइनमास्टर से एडिट करके एक्सपोर्ट करी है वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सो मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नाउ सिंपली क्या करना है आपने, जो वीडियो क्लिप है उस पर एक बार टैप करना है। नाउ आपको नीचे की तरफ इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, नाउ इस पर टैप करना है आपने, एड इफेक्ट पे टैप करना है। नाउ आपने लेफ्ट स्वाइप करना है। नाउ क्या ढूंढना है आपने, मूव ट्रांसफॉर्म ढूंढना है, ठीक है गाइस। मूव ट्रांसफॉर्म के बाद आपने नीचे जाना है, एक ऑप्शन आएगा स्विंग का लास्ट में नीचे, नाउ क्या करना है उस पर टैप कर देना है आपने, इस तरह का कुछ हो जाएगा। नाउ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको 0.3 करना है, यानी कि 0.32 कर देना है। अब जो इसकी एंगल 1 है इसको हमने 15 से कम रखना है एंगल 1 को। सो मैं कर लेता हूँ माइनस को 15 से कम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ 13 कर देता हूँ, ओके 13। और जो एंगल 2 है इसे भी मैं यहाँ 13 कर देता हूँ, यहाँ पे हमें इसे प्लस में रखना है, एंगल 1 को माइनस में रखना है और जो एंगल 2 है उसे प्लस में रखना है, ओके गाइस 13 हो गया। सो जब आप प्ले करोगे ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। समय थोड़ी सी लैग होगी वीडियो, बाकी प्रॉपर एकदम बढ़िया चलेगी जब आप एक्सपोर्ट कर लोगे। नाउ क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्ट मतलब ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगेन वीडियो पे टैप करना है, अगेन इफेक्ट पे जाना है, अगेन द्वारा एक और इफेक्ट ऐड करना है। नाउ क्या आपने स्वाइप लेफ्ट करना है और ढूंढना है डिस्टोर्शन वॉर्प, ठीक है गाइस। इसमें आपने नीचे की तरफ आ जाना है, आपने एक ऑप्शन दिखेगा टाइल्स करके, आपने टाइल्स शिफ्ट नहीं यूज़ करना है, खाली टाइल्स यूज़ करना है, ठीक है गाइस। नाउ इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, टाइल्स वाले पे राइट साइड में देख सकते हो आई के बगल में 3 लाइंस आ रही हैं, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद मिरर वाले ऑप्शन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद अपनी वीडियो को प्ले करना है, आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है गाइस। देख सकते हो कुछ इस तरह का ये टाइल्स ऑप्शन आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, अब प्लस वाले आइकन में टैप करना है, इमेजेस पे जाना है, जो ब्लैक बार्स की इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वही डाउनलोड करनी है गाइस। जो मैंने पुरानी वीडियो में दी है वो थोड़ी छोटी है, मैंने ये इसी वीडियो के हिसाब से क्रिएट करी है, तो ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। सो ये इस तरह की है, सो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। नाउ क्या करना है, एंड पॉइंट पे जाना है, जैसे आप कर लोगे यहाँ पे एंड है, नाउ इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो जाएगी। नाउ अपनी वीडियो पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाना है, टाइल्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ठीक है गाइस, स्लाइड करना आगे की तरफ मतलब, ठीक है। अब देख सकते हो लेफ्ट साइड में एजेस आ रहे हैं ब्लैक कलर के। नाउ क्या करना है आपने, क्रॉप करना स्टार्ट करना है, देख सकते हो गाइस जैसे ही क्रॉप देखो सारे एजेस गायब हो गए। नाउ आगे की तरफ अगेन जाना है, दोबारा एक मिनट गाइस, दोबारा एजेस आ रहे हैं। नाउ अगेन क्रॉप करना स्टार्ट करना है आपने, देख सकते हो सारे एजेस चले गए। नाउ आगे की तरफ जाना है, देख लेना है कि एजेस तो नहीं आ रहे हैं। हाँ देख सकते हो गाइस बिल्कुल भी एजेस नहीं आ रहे, मैं हल्का सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है गाइस बिल्कुल भी एजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है गाइस। नाउ आपकी वीडियो हो गई एकदम रेडी,
एंड गाइस जब आप यहाँ पे वीडियो को प्ले करेंगे तो थोड़ी हो सकता है लैग हो आपकी वीडियो एक दो बार, लेकिन गाइस जब आप यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेंगे तो बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाली आपकी वीडियो, क्योंकि यार जब किसी प्रोजेक्ट को हम एडिट करते हैं तो थोड़ा सा लैग होता है वीडियो में ना, बाकी जब आप एक्सपोर्ट कर लोगे बिल्कुल भी लैग नहीं आने वाला आपकी वीडियो में। ठीक है गाइस, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देख लेना कि मैंने किस तरह से एडिट किया था। सो उम्मीद करता हूँ गाइस यार आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना आज की इस वाली वीडियो को, एंड गाइस शेयर कर दो यार इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। और साथ ही साथ गाइस यार प्लीज़ आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, मेरा यूज़र नेम है @IAMBHURA। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।